देखें सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनका सम, ठीक है। अब ए डॉट बी है एक प्रोडक्ट है, बी डॉट सी दूसरा प्रोडक्ट है, ए डॉट सी तीसरा प्रोडक्ट है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हमने सम कर दिया बीच में ऐड करके, ठीक है। तो हमारे पास बन गई सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ सम, डिफरेंट सम है हमारे पास, ए प्लस बी है, बी प्लस सी है या ए प्लस सी है, ठीक है। डिफरेंट सम है, इनको प्रोडक्ट कर दिया यानी कि इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म बन गई, ठीक है। अगर मल्टीप्लीकेशन वाली चीजें हो उनको ऐड करें तो हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट बनता है। इसी तरह ऐड वाली चीजें हो उनको मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म बनती है।